Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप सबका सथोलॉजी के शो में बहुत बहुत स्वागत है. आज हम लोग जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उस पे आपको सुन के अत्यंत आनंद आएगा और मैं भी बस अपनी कुर्सी पकड़ के बैठा हुआ हूँ क्योंकि इसमें पूरा योगदान शैलेंद्र जी का है. और हमारे शास्त्रों में जब पिछले शो में हम डिस्कस कर रहे थे सतोलॉजी पाश्चात्य देशों के लिए विरुद्ध यूज करिए, मिथोलॉजी के विरुद्ध यूज करिए. अगर लेकिन आपको उससे बेटर वर्ड चाहिए वो संस्कृत का है इतिहास, उससे बेटर वर्ड है लेकिन वो सिर्फ हम ही लोगों को समझ में आएगा. पाश्चात्य देशों के लिए चिढ़ाने के लिए सतोलॉजी और उनको मिथोलॉजी पे विरुद्ध बात करने के लिए उधर जरूर यूज करिए. आजकल भारत में बड़े बड़े मिथोलॉजिस्ट घूमते रहते हैं, पागलों जैसी पुस्तकें लिखते हैं. उसमें से बहुत सारे लोग लिखते हैं 1000 डेज ऑफ वॉर ऐसे करके पुस्तकें लिखी हुई है. उनको ऐसा लगता है कि महाभारत सिर्फ युद्ध की कथा है. महाभारत चारों वेद पुराण उपनिषद का एक कॉमन कलेक्शन है. उसको व्यास देव ने बड़े सुंदर तरीके से असेंबल किया है. सिर्फ महाभारत पढ़ने पे आपको सारे उपनिषदों का ज्ञान, सारे पुराणों का ज्ञान और सारे वेदों के सारांश समरी में पूरा ज्ञान आपको मिलता है. उसमें वो सारे ऋषि हैं, सारे मुनि हैं, जो इसलिए उसको पंचम वेद भी बोला गया है. तो एक 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 जगह पे सब इकट्ठित है. लेकिन अगर आप जो मकार जो है, झूठ मूठ का जो बकवास मैथोलॉजिस्ट अपने आप को बुलाते हैं उनको सुनेंगे तो आपकी श्रद्धा महाभारत से हट जाएगी, भगवत प्राप्ति मुश्किल हो जाएगी. और अगर आप योग में अपने को सफलता करना पाना चाहते हैं तो वो भी आपका नष्ट हो जाएगा. योग और भक्ति में कोई फर्क नहीं होता. भगवान तो बोलते हैं जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वही भक्त है. तो इसलिए आज जो हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, लेट अस वेलकम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार. इनकी पुस्तकें जरूर पढ़िएगा. नमस्ते डॉक्टर साहब. नमस्ते नमस्ते, सादर प्रणाम आपके सारे दर्शकों को जो सारे विश्व में फैले हुए हैं और धर्म ध्वज लेकर जो है घूम रहे हैं. बड़े आनंद का विषय है ये. एक्चुअली क्या है कि लोग कुछ ज्यादा ही सम्मान देते हैं जिसका मैं अधिकारी नहीं हूँ. और कभी कभी मुझे भी अपने आप पे वो होता है कि भाई मेरे से जैसा कोई ज्यादा कोई पापी नहीं है, लेकिन लोग सम्मान देते हैं तो मैं अपने गुरु को दे देता हूँ सम्मान कि भाई आप ही रखिए, सम्मान मेरे लिए बड़ा ड्राई आइस हो जाएगा, जल रखूंगा तो ज्यादा उससे मेरे को हर्ट ज्यादा होगा. लेकिन लेकिन जो आपने जो शोज किए हरिवंश राय बच्चन के पे ऊपर और प्रेमचंद के ऊपर, उसने मेरी आंखें भी खोल दी. क्योंकि ये दीज पीपल वर, इनके बारे में मैंने पढ़ा तो नहीं था लेकिन इनके बारे में बोलने से भी डर लगता था क्योंकि बाकी लोग कोई मैथिली शरण गुप्त की कविताएं बोल देंगे और आपको तो मेरा बैकग्राउंड मालूम है, रामायण महाभारत पुराण के श्लोकों के अलावा मैंने कोई इंडियन पोइट्स पढ़े ही नहीं बचपन से. तो मैं अष्टवक्र की बात कर सकता हूँ, मैं उद्धव गीता की बात कर सकता हूँ, बाकी गीताओं की गोपी गीत की बात कर सकता हूँ, लेकिन इन विषयों में मैंने बिल्कुल बात नहीं किया. तो आज हम लोगों ने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, आपने मुझे बताया है, वही उसी में बात करेंगे. धर्मवीर भारती. तो प्लीज बताइए धर्मवीर भारती पहले कौन थे और उनकी रचनाएं क्या थी. तो मैं आरंभ करने से पहले जरा जगत गुरु जी को याद कर लूं, और ये भी विडंबना ही है कि जिन जगत गुरु को मैं याद करने जा रहा हूं उन जगत गुरु को धर्मवीर भारती ने क्या बनाया, बस अभी 2-3 मिनट में स्पष्ट हो जाएगा. वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु. ऐसा है आदित्य जी कि पहले तो मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ उन दर्शकों को जिन्होंने हरिवंश राय बच्चन और प्रेमचंद पर जो हमारी वार्ताएं रही हैं उनको देखा है, सुना है, सराहा है, और अनेक दर्शकों ने टिप्पणी की है. और इससे आदित्य जी एक चीज़ बहुत आसानी से सिद्ध हो जाती है कि ये सारे बहुत बड़े बुद्धिजीवी, बौद्धिक व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, सुधी श्रोता हैं, और इनके पास स्वयं ज्ञान है क्योंकि इनकी टिप्पणियों से ज्ञान झलकता है. और मैं उनका सबका आदर सम्मान करता हूँ. और कुछ श्रोताओं ने, दर्शकों ने कुछ मांग रखी है, जैसे प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ बताई हैं कि उन पर चर्चा करें. एक सज्जन ने लिखा है कि कबीर पर चर्चा करें. तो इस प्रकार जो है अनेक तरह की
के प्रस्ताव या सुझाव रखे हैं लोगों ने, दर्शकों ने, तो दर्शक हमारे तो सबसे सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। उन्होंने जो आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की है उससे भी मैं अभिभूत हूँ, और ये सच्ची बात है कि आदित्य जी ने अलख जगाया हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर हैं। तो आज का जो विषय है वह विषय अपने आप में बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि मैं आज वार्ता करने जा रहा हूँ धर्मवीर भारती पर, जिनका पूरा नाम डॉक्टर धर्मवीर भारती है। ये आज का जो प्रयागराज है, जो कुछ वर्ष पहले इलाहाबाद कहा गया था, वहाँ उनका जन्म हुआ, वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, हिंदी साहित्य का अध्ययन किया उन्होंने, और कालांतर में इन्होंने पीएचडी कर डाली। और आदित्य जी, बड़ी बात यह है कि हिंदी साहित्यकार बहुत हुए हैं हमारे देश में, आवश्यक नहीं है कि सब बड़े सफल हो जाएं और उनको पद प्रतिष्ठा मिले, लेकिन डॉक्टर धर्मवीर भारती ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिनको अपने युग में उनकी बड़ी पहचान थी, लोग उनको जानते थे और उनको बड़े बड़े पद भी मिले। 1972 में, आपको जानकर अच्छा लगेगा, आश्चर्य होगा कि इनको पद्मश्री का सम्मान मिला था भारत सरकार की तरफ से, और भारत देश में, उत्तर भारत में हिंदी क्षेत्र में धर्मयुग नाम की जो पत्रिका थी वो सर्वाधिक प्रचलित थी, उस पत्रिका के संपादक थे। इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, कहानियां लिखी, लेकिन इनकी जो प्रतिष्ठा या लोकप्रियता का आधार है वह विडंबनापूर्ण स्थिति ये है कि दो रचनाएं हैं और उन्हीं पर मैं आज की वार्ता को केंद्रित करूंगा। पहली रचना है अंधा युग और दूसरी रचना है गुनाहों का देवता। ये दोनों रचनाएं पता नहीं क्यों बहुत लोकप्रिय हुई और इससे धर्मवीर भारती की बड़ी ख्याति हुई, उनको लोग जानने लगे और धर्मवीर भारती एक बड़े ही लोकप्रिय साहित्यकार के रूप में ही इस संसार से विदा हुए। तो हमारा जो है आरंभ हम करते हैं अंधा युग से। अंधा युग, ये समझ में नहीं आएगा नाम से कि अंधा युग क्या है, लेकिन देखिए कितना कितनी बड़ी बात है आदित्य जी, इस भारतवर्ष में जो योगी महर्षियों मुनियों का देश है, बड़े बड़े पराक्रमी प्रतापी राजाओं का देश रहा है ये, और यह देश शुद्ध रूप से हिंदू धर्म से अनुप्राणित रहा है, वैसे देश में इन्होंने, धर्मवीर भारती ने, अपने नाम के ठीक विपरीत, इनका नाम है धर्मवीर, ना तो इन्होंने धर्म जैसा कोई काम किया, ना इन्होंने उस तरह की कोई वीरता दिखाई। आप कह सकते हैं कि कायर और अधर्मी का कार्य इन्होंने किया, और भारती भी मुझे नहीं लगता कहीं से इनमें भारती होने का कोई तत्व था, जो मैं स्पष्ट करूंगा थोड़ी देर में। तो अंधा युग जो है, इस ये कथा स्रोत इसका महाभारत, और महाभारत के 18वें दिन की संध्या से इसका आरंभ होता है इस रचना का। और ये रचना क्या है, नाटक है, और आप जानते हैं साहित्य जी की साहित्य में जितनी विधाएं हैं उनमें सबसे अधिक प्रभावकारी जो विधा होती है वो नाटक होती है, क्योंकि नाटक में पात्र अभिनय करते हैं और हमारे सामने ऐसा करते हैं, उसका प्रभाव बड़े लंबे समय तक रहता है, तो ये बहुत ही प्रभावकारी विधा है, जैसे फिल्म है, फिल्म अपने आप में बहुत प्रभावकारी विधा है। और आश्चर्य की बात यह है कि अंधा युग नाटक जब लिखा गया उसके बाद संभवतः भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े नाट्य निर्देशक हुए हैं उन सब ने इस नाटक को अपने मंच पर स्थान दिया और लंबे समय तक यह नाटक चला, अभी भी चलता हो मुझे कोई उसमें आश्चर्य नहीं होगा। मैं स्वयं जब छात्र था तो मुझे इस नाटक देखने को अवसर मिला। मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता, उस समय मेरे पास उतना ज्ञान नहीं था, उतनी समझ नहीं थी, इसलिए मैं प्रतिक्रिया करते भी कहिए कि मैं डर रहा था कि पता नहीं और मेरे मित्र गण या और लोग होंगे उनको कैसा लगेगा,
लेकिन मैं बताऊं, जितनी देर तक मैंने नाटक देखा, मेरे गले कोई बात नहीं उतरी और मुझे तब समझ में नहीं आया कि ये व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि आप जानते हैं आदित्य जी, महाभारत जो हमारा ग्रंथ है उसकी कोई तुलना विश्व के किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। क्योंकि आज के हिसाब से देखिए तो 5300 400 वर्ष पूर्व की रचना है। इतनी पुरानी रचना एक तो भारत से बाहर कहीं है नहीं, और इतनी अच्छी रचना मिलना कठिन है। महाभारत के आप स्वयं अध्येता हैं, विद्वान हैं, और मुझे लगता है आपसे अच्छा सुपात्र कौन होगा आज जो हमारी वार्ता को सुने और उसको समझे। महाभारत जैसा कि आप जानते हैं आदित्य जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी त्रुटि ये मैं मानूंगा धर्मवीर भारती की, कि उन्होंने केवल युद्ध के अंत का समय लिया है। 18 दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है और संध्या का समय है, वहां से यह नाटक शुरू होता है, आरंभ होता है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, क्या महाभारत सिर्फ युद्ध का ग्रंथ है और वह भी केवल युद्धोपरांत का उसमें उल्लेख है? युद्ध के उपरांत तो बहुत कम पर्व हैं महाभारत में, उससे पहले जितने पर्व हैं उनका क्या होगा? और यदि मैं मोटी भाषा में कहूं, मोटी बात कहूं, तो महाभारत विश्व का ज्ञानकोश है। इनको कथाओं का उद्गम स्थल कहा गया है, इसमें धर्मशास्त्र है, इसी में तो भगवत गीता है। अपने आप में भगवत गीता ऐसी रचना है कि आज भी संसार में उससे अच्छी रचना, उससे सुंदर रचना कहीं नहीं है। और उस गीता का अनुसरण कोई करे तो वह अपना जीवन, और यदि संसार करे तो संसार अपना जीवन सुधार सकता है। लेकिन बात कुछ और थी, बात यह थी कि दो महायुद्ध हुए थे, विश्वयुद्ध हुए थे, और धर्मवीर भारती का मानना यह है कि वो जो दोनों विश्वयुद्ध हुए, उन विश्वयुद्ध के बाद उपरांत जो यूरोप या अन्यत्र जो वातावरण का निर्माण हुआ, जिसको आप कह सकते हैं युद्धोपरांत कैसा वातावरण होगा, चारों ओर केवल छत विछत शव होंगे, उन शवों पर चील कौवे दौड़ रहे होंगे, उड़ रहे होंगे, खा रहे होंगे, या और हिंस पशु भी खा रहे होंगे, इस तरह का जो हाल है उसको इन्होंने अपनी नाटक में स्थान दिया, कथ्य में स्थान दिया। मेरा कहना यह है कि क्या दोनों विश्वयुद्धों से महाभारत के युद्ध की तुलना उचित है? क्या धर्मवीर भारती को यह ज्ञात नहीं था कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, और जिन कारणों से महाभारत का युद्ध हुआ क्या वही कारण उपस्थित थे दोनों विश्वयुद्धों के बीच में या के लिए? मैं मानता हूं कि दोनों विश्वयुद्ध शुद्ध रूप से डकैतों के गिरोहों के बीच था, बीच से दोनों विश्वयुद्ध। दूसरे विश्वयुद्ध में तो मैं आपको बताऊं आदित्य जी की हिटलर यदि जीत गया होता तो आज उसकी नीतियां, उसके सिद्धांत चल रहे होते और लोग उसका प्रशस्तिगान कर रहे होते। क्योंकि हिटलर ने जब युद्ध आरंभ किया, उसके पहले जितने भी देश उसके विरुद्ध लड़े वे सब उसके साथ थे, सबने उसके साथ संधियां की थी। और रोचक बात तो यह है कि हिटलर का तुष्टीकरण किया गया। आज जो ये तुष्टीकरण शब्द इतना प्रचलित है, यह हिटलर के संदर्भ में ही बहुत व्यापक हुआ, व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया गया। तो दोनों विशुद्ध मैं मानता हूं कि डकैतों के दो गिरोहों के बीच का युद्ध था, उसमें कहीं धर्म नहीं था, धर्म तत्व नहीं था, और किसी भी पक्ष में कोई भगवान नहीं थे। महाभारत का युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध था,
जिसमें एक ओर धर्म था दूसरी ओर अधर्म था। दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र के रूप में भी अनार्य था। अनार्य उसी को कहते हैं जो विधर्मी हो जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो इन्होंने अपनी कथा की पृष्ठभूमि रखी वह बड़ी ही अनुचित थी। अब आप थोड़ा सुनिए कि जो बड़े बड़े समीक्षक हैं उनका भी मैं थोड़ा सा हिसाब किताब करना चाहता हूं कि वे लिखने के कारण में क्या कहते हैं, कैसे जाते हैं, और स्पष्ट हो जाएगा आपको। आपको तो इतना क्रोध आएगा महाभारत को लेकर के कि उसकी कैसे विकृत विकृत उसका रूप हमारे सामने रखा गया और इतना प्रसिद्ध हुआ। या महाभारत मुझे लग रहा है यही कारण होंगे जो लोगों ने महाभारत को लोगों ने घर में रखना बंद कर दिया। हाँ, उस पर मैं आता हूँ, उस पर मैं बताऊंगा कि वो क्या था कि ईसाइयों का या इन लोगों का जो एक एक षड्यंत्र था कि महाभारत युद्ध का ग्रंथ है और इसको 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 कहिए कि अपमानित करो। तो धर्मवीर भारती ने वही काम किया, ये सिद्ध हो जाएगा थोड़ी देर में। तो देखिए महाभारत कौन से ईयर में पुस्तक लिखी गई, ये वाली कौन से ईयर में, वो एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ अभी। मतलब 70 के दशक में लिखा गया है संभवतः। है ना, महाभारत के युद्ध के उपरांत की घटनाएं ही अंधा युग की मूल कथा वस्तु है। महाभारत के 18वें दिन की संध्या समय से लेकर के श्री कृष्ण की मृत्यु तक अंधा युग समकालीन यथार्थ की अभिव्यक्ति करता है। अब देखिए क्या है वाक्य, समकालीन यथार्थ की अभिव्यक्ति है। जिस समय ये 70-80 के दशक में या उसके पहले के दशक में, उसके यथार्थ की अभिव्यक्ति महाभारत का युद्ध है या उसके उपरांत का समय है, पता नहीं कैसे है, भगवान जाने। इसका तथ्य अंतरराष्ट्रीय यथार्थ बोध से व्यापक बन गया है। वही अंतरराष्ट्रीय यथार्थ बोध है जो दो विश्वयुद्धों के उपरांत बनता है। दो दो महायुद्धों से त्रस्त अंतरराष्ट्रीय संवेदना या विश्व चेतना इसमें महाभारतीय पुनराख्यान का आश्रय लेकर प्रतिफलित हुई है। अब आगे देखिए आदित्य जी, उससे आपको स्पष्ट होगा कि ये कितनी मतलब घिनौनी बातें की हैं इन्होंने महाभारत को लेकर के। अंधा युग में वर्णित निराशा, कुंठा, पशुता, व्यर्थता तथा अनास्थावादी स्वर। अब आप समझ रहे होंगे ये कहां से आ रहा है, अनास्थावादी स्वर, आस्था जहां ना हो, आस्था के विपरीत निरीश्वरवादी, नास्तिक जो भी कह लीजिए, तो अनास्थावादी स्वर युद्धोत्तर स्थिति का परिणाम है। अर्थात युद्ध जब समाप्त हो गया तो उसके बाद क्या हो गया, सारे लोग अनास्थावादी हो गए, उनकी आस्था समाप्त हो गई। आस्था कहां होती है, मुख्यतः ईश्वर के प्रति होती है, देवता के प्रति होती है, परमात्मा के प्रति होती है। लेकिन उसी आस्था को धर्मवीर भारती रोंदना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। अगले वाक्य में और स्पष्ट हो जाएगा। धर्मवीर भारती ने अंधा युग में एक व्यापक सत्य को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। ये व्यापक सत्य क्या है, सुन के आपको क्रोध आएगा। युद्धोत्तर कालीन ह्रासोन्मुखी संस्कृति, युद्ध के बाद ह्रासोन्मुखी संस्कृति, ईश्वर और मनुष्यत्व की मृत्यु के अनास्थावादी पाश्चात्य विचार दर्शन। अब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये विचार दर्शन पश्चिम से आ रहा है। तो शुद्ध रूप से ये क्रिश्चियनिटी का विचार है जो हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए, हिंदू देवी देवताओं को समाप्त करने के लिए यह विचार लाया गया। आगे लिखते हैं, अब आप देखिए इसमें ईश्वर और मनुष्यत्व की मृत्यु, ईश्वर की मृत्यु हो रही है, मनुष्यत्व की मृत्यु हो रही है। ये कौन सा विचार है, अनास्थावादी विचार है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था तथा आज के व्यक्ति की मनोग्रंथियों की पुराण संदर्भ में पकड़ने की कोशिश। अभी देखिए यहां पुराण भी जोड़ दिया इन्होंने, महाभारत एक रचना थी, कहा कि पुराण का भी संदर्भ लिया। अंधा युग की कथा वस्तु उस मर्यादाहीन युग से संबंधित है। सुनिए आदित्य जी,
मर्यादाहीन है वो युग, अर्थात आपका जो ये जो युग है पूरा द्वापर वो मर्यादाहीन युग है, जिसमें कुंठा, निराशा, विकृति, कुरूपता और अंधापन अपने पूर्ण अंगों के साथ अवतरित हुए थे। धर्मवीर भारती का प्रधान उद्देश्य इसी विकृति का चित्रण करना है। लग रहा है ये हरिवंश राय के बच्चन के भक्त हैं, ऐसे लग रहा है मुझे। अरे उनके भी गुरु निकलेंगे, अभी थोड़ी देर रुकिए तो आप, वो तो पीछे छूट जाएंगे। आगे लिखते हैं, अगला वाक्य आपके लिए है, आप देखिए क्या लिखते हैं। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर 20वीं शताब्दी की युद्धोत्तर पतोन्मुखी संस्कृति तथा राजनीतिक दृष्टि से नेतृत्व वर्ग की अंधता या अविवेक के प्रतीक है। पहली बात, इन्होंने धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर 20वीं शताब्दी में जितना कुछ भी बेकार है, घृणित है, उसके प्रतीक है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात क्या है, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर दोनों एक ही पलड़े पर तोले जाते हैं। आपको स्मरण कराना चाहूंगा आदित्य जी, रामायण में एक कथा आती है कि भगवान राम जब लंका में थे और शिविर लगाया हुआ था, युद्ध आरंभ होने वाला था या युद्ध आरंभ हो चुका था, तो कुछ व्यापारी लंका को उनके पास आगे मिलने, उन्होंने कहा देखिए आपका और रावण का युद्ध हो रहा है, हमारे समझ में नहीं आता, हम लोग तो वणिक समाज के लोग हैं, कुछ हमारा लाभ नहीं हो रहा है, आप हमें बताइए कि हमें अभी क्या करना चाहिए, लंका छोड़ के चला जाना चाहिए, और यदि युद्ध में आप विजयी होते हैं तो क्या आप हमें संरक्षण देंगे, क्या करेंगे हमारे साथ। भगवान राम को जो अन्यथा क्रोधित नहीं होते हैं, उनको जल्दी कोई चीज बुरी नहीं लगती है, लेकिन उन्होंने पूछा कि आपकी बात से हमें लग रहा है आप युद्ध निरपेक्ष व्यक्ति हैं, आपको युद्ध से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब यह है कि आपका लाभ बना रहे, और लाभ कैसे बना रहेगा ये, इसके लिए आप मेरे पास आए। तो उन्होंने बहुत क्रोध की अवस्था में उन्होंने उत्तर दिया कि जिस व्यक्ति को राम और रावण का भेद नहीं पता है, उस व्यक्ति की मैं कोई सहायता नहीं करूंगा। देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर दोनों को एक ही पलड़े पर। जो आपने बात बोली ना, आज के बिजनेसमैन को समझनी चाहिए, आज के बिजनेसमैन को, जो भारतीय बिजनेसमैन है, हार्वर्ड को डोनेट करते हैं, जो हिंदू विरोधी एक्टिविटीज करते हैं, इनको समझना चाहिए। तो रामायण एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू फाइंड व्हाट इज राइट। भगवान राम ने उनको कहा कि यदि आप में इतना विवेक नहीं है कि राम और रावण के आप अंतर को समझें, तो हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे, फिर आप हमारे लिए कोई वो नहीं। तो यहां पर मैंने वो प्रासंगिकता थी। अच्छा आप देखिए अब आगे क्या है, कृष्ण यहां पहली बार अमर्यादित रूप में चित्रित हुआ है। आदित्य जी, कोई हिंदू आस्थावादी व्यक्ति इस वाक्य को सहन कर सकता है वाक्य का? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो है कि कृष्ण यहां पहली बार, कृष्ण लिखा हुआ है और पहली बार चित्रित हुआ है, हुए नहीं है, और कैसे अमर्यादित रूप में, दोनों दृष्टिकोणों से। एक तो भाषा अपमानजनक है, और दूसरा यदि भगवान कृष्ण अमर्यादित हैं, तो पिछले 5,500 वर्षों से करोड़ों लोग क्या मूर्ख हैं जिनकी उनके प्रति आस्था है? क्या हम गीता गीता को उठा के फेंक दें? नहीं, कोई मूर्ख ऐसे शब्द लिख सकता है? ये मूर्ख ही है। नहीं नहीं नहीं, मूर्ख छोटा शब्द है आदित्य जी। ये हिंदू द्रोही है क्या? यह तरह की भाषा वो किसी मोहम्मद के विषय में या जीसस के विषय में लिख सकता है? क्या अमर्यादित मोहम्मद लिखेगा, अमर्यादित जीसस लिखेगा? अब आगे देखिए, कृष्ण इस नाटक में उस मनुष्य के व्यक्तित्व के रूप में चित्रित है जो, आगे सुनिए, जो पाप पुण्य, सत्य असत्य और मर्यादा अमर्यादा के झूले पर घड़ी के पेंडुलम की भांति सदा दोलायमान रहता है। ये है, आप भगवान कृष्ण के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब आगे देखिए, मैं आगे ले चलता हूं कुछ और चीजें दिखाने के लिए। गांधारी के वचन सुनाता हूं। गांधारी क्या कहती हैं? गांधारी कहती हैं, धर्म, नीति, मर्यादा यह सब हैं केवल आडंबर मात्र,
मैंने यह बार बार देखा था। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। ये जो वाक्य है आदित्य जी कि मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी, वो मूर्ख तो नहीं है लेकिन धर्म जिधर होगा उधर जय होगी, ये महाभारत का वाक्य है। लेकिन आगे सुनिए, धर्म किसी और नहीं था लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल दिया। कौन है वो? वंचक है। यह कृष्ण के विषय में गांधारी कह रही हैं, जबकि ये बात बिल्कुल असत्य है। ये महाभारत में गांधारी के वचन ऐसे नहीं है। और एक मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि जब भगवान, जब कृष्ण भीष्म पितामह सर शैया पर लेटे हुए हैं, तो महाभारत में प्रकरण आता है अनुशासन पर्व में कि तीखे बाणों की शैया पर शयन करते हुए आज मुझे 58 दिन हो गए। ये भीष्म पितामह कहते हैं। धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए भीष्म पितामह के वचन हैं, ये पांडव जैसे राजा पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही धर्म की दृष्टि से तुम्हारे भी हैं। तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्या रखने वाले और दुराचारी थे, अतः उनके लिए कभी शोक न करना। ये जो वाक्य है आदित्य जी भीष्म पितामह की, इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। अभी धर्मवीर भारती कुछ और कह रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को ही उल्टा समझा रहे हैं। उनके पुत्रों की मृत्यु के बाद उसको समझा रहे हैं कि तुम शोक मत करना, और पांडवों के विषय में प्रशंसात्मक शब्द हैं उनके, प्रशंसा कर रहे हैं। आगे देखिए भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं वो। भीष्म पितामह का पहला शब्द है भगवान, वो भगवान का। धर्मवीर भारती की अंधायुग रचना में कहीं भगवान शब्द का प्रयोग नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है, कैसे कोई हिंदू उसका रक्त नहीं उबलेगा। भीष्म पितामह कहते हैं भगवान कृष्ण को, भगवान आप देवताओं के भी देवता हैं। और यहां देखिए क्या लिखते हैं धर्मवीर भारती कृष्ण के बारे में, अमर्यादित। देवता और असुर सभी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, आपको प्रणाम है। मैंने दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह कहकर समझाया था कि जहां श्री कृष्ण है वहां धर्म है, जहां धर्म है उसी पक्ष की जीत होनी निश्चित है। इसलिए वत्स दुर्योधन, भगवान कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। और ये बात तो कब कह रहे हैं भगवान कृष्ण को? आज उनका उस सरसैया पर 58वां दिन है, और ये 18वें दिन में इतनी विकृति दिखा रहे हैं। तो क्या भीष्म पितामह कुछ नहीं बोलते? भीष्म पितामह उन विकृतियों की चर्चा नहीं करते? लेकिन नहीं, ये आज की क्रिश्चियनिटी, मैं बताऊं आदित्य जी कि ये धर्मवीर भारती नामक व्यक्ति ईसावाद, मोहम्मदवाद और साम्यवाद, तीनों जो विषय हैं मानव विरोधी विचार हैं, उनका एक विषैला सम्मिश्रण था। और उस व्यक्ति का लक्ष्य एकमात्र था कि हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया जाए। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को अपराधी मानता हो, जिस भगवान कृष्ण को 5,500 वर्षों से भारत ही क्या, आप तो संसार भर के लोग पूछते हैं, उनके प्रति इतना निकृष्ट विचार, इतना पतित विचार, मैं समझता हूं ये असह्य है। अब देखिए कैसे कैसे शब्द हैं, कैसे कैसे वाक्य हैं। एक वृद्ध याचक है इस नाटक में, वो बोलता है जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूं, वृद्ध हूं, थका हूं, पर जाकर कहूंगा मैं, नहीं है पराजय दुर्योधन की, इसको तुम मानो
नए सत्य की उदय वेला। आदित्य जी ये क्या प्रवृत्ति है, दुर्योधन अच्छा है, धृतराष्ट्र अच्छे हैं, गांधारी अच्छी है, और सारे जो उसके पक्ष में है वो सारे अच्छे हैं। वैसे ही जैसे आजकल एक चलन चला है कि रावण अच्छा है, राम बुरे हैं। आप क्या मानेंगे? ये इसीलिए है कि हमारी जो देवता के प्रति आस्था है, ईश्वर के प्रति आस्था है, वो सारा नष्ट हो जाए। उसको रौंदना, उसको नष्ट करना, ये धर्मवीर भारती का उद्देश्य है। तो यहां गौरव गान हो रहा दुर्योधन का। पराजय के बाद भी एक वृद्ध कह रहा है कि मैं तो मानता हूं कि वो पराजय नहीं है। अब देखिए अश्वत्थामा, अश्वत्थामा पात्र जो है आदित्य जी संध्या युग में सबसे मुखर पात्र है। सच्चाई तो है कि मुख्य पात्र ही अश्वत्थामा है, उस पर बहुत सारा समय दिया है धर्मवीर भारती ने, उससे भी धर्मवीर भारती की प्रवृत्ति समझ में आती है। अब ये पता नहीं विश्वसनीय है क्या, आप सोचिए भगवान शिव की पूजा करते हुए अश्वत्थामा कह रहा है वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। भगवान शिव हाथ उठाकर बोलते हैं अश्वत्थामा तुम विजयी होगे, निश्चय हो चुका पांडवों के पुण्यों का अपक्षय। क्या ऐसा हो सकता है? पांडवों के पुण्यों का अपक्षय हो गया, समाप्त हो गया वो पुण्य। विजय किसको मिल रही है? कौरव पक्ष को। कौरव पक्ष ने कौन सा पुण्य का काम किया है? जिस कौरव पक्ष ने सदा पांडवों को नष्ट करने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके विषय में भगवान शिव के मुंह से निकलवा रहे हैं ये धर्मवीर भारती कि अश्वत्थामा तुम विजयी होगे, निश्चय हो चुका पांडवों के पुण्यों का अपक्षय। मैं अब आगे सुनिए, मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता, पर कर अधर्म वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। अब बताइए भगवान कृष्ण के विरुद्ध भगवान शिव को बना दिया और क्या कह रहे हैं, मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं तो कृष्ण प्रेम में बस फंस गया था, मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता था, लेकिन अब क्या हुआ, पर कर अधर्म वध, भगवान कृष्ण ने अधर्म वध किया है और उन्होंने स्वयं मृत्यु के द्वार खोल लिए। अब बताइए यह कोई सुन सकता है? हिंदू आस्थावादी व्यक्ति, आस्थावान व्यक्ति, आस्तिक व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति कोई सुन सकता है? इस पर विवेचना करना तो बहुत ही कष्टप्रद काम है आदित्य जी, और मुझे इस कष्ट से गुजरना पड़ा है, ये सहज नहीं था मेरे लिए, और ये मेरे पिछले 30 वर्षों से मैं इस पीड़ा को झेलता आया। यहां पर मैंने ये भी मैं बताना चाहूंगा कि अंधा युग शीर्षक ही क्यों दिया, ये इस नाटक को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि धर्मवीर भारती ने पूरे युग को अंधा कहा है। धर्मवीर भारती कहना है कि वहां धृतराष्ट्र अंधे हैं और गांधारी की आंखों पर पट्टी पड़ी है, ये दो व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकते, लेकिन इनका कहना है कि उस युग में सभी अंधे हैं और इसीलिए इसका अंधा युग नाम दे दिया। आदित्य जी मेरा प्रश्न आपसे है, आपने वर्षों महाभारत को पढ़ा है, क्या कोई व्यक्ति महाभारत को पढ़कर के यह कहेगा कि अंधा युग है ये? इसकी ज्ञान किरणों से चकाचौंध होता विश्व उनको नहीं दिखा, इसके ज्ञान का प्रकाश उन्हें नहीं दिखा, या तो वो रतौंधि के शिकार थे या उनकी आंखें नहीं देखती थी, देखने के योग्य थी। अब देखिए कि समाज में ऐसी रचना हो रही है और लोगों पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। आपके चैनल का नाम ही है सत्तोलॉजी, क्योंकि आपने माइथोलॉजी के विरुद्ध ये काम किया है। आपको जानकर घोर दुख होगा कि मैं जब नेट पर ढूंढ रहा था समीक्षकों को, सोच रहा था किसी ने कुछ लिखा है क्या धर्मवीर भारती पर, तो एक डॉक्टर गरिमा तिवारी मिली हैं। उन्होंने लिखा है एक निबंध आलेख,
अंधा युग कथ्य एवं शिल्प, उसके कई खंड हैं, कई भाग हैं। पहला भाग है, उसका नाम है अंधा युग, एक मिथकीय आख्यान का पुनर्सृजन। एक मिथकीय आख्यान का पुनर्सृजन, पूरा महाभारत इनकी दृष्टि मिथक है। और आगे इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया है, विस्तार से क्या बता रही है कि यूनानी साहित्य में ऐसा कहा जाता है कि वहां मिथकीय रचना है, और उन्हीं से प्रेरित होकर के धर्मवीर भारती ने महाभारत का प्रयोग किया है। महाभारत एक मिथक है, और आप जानते हैं संस्कृत में मिथ्या शब्द से निकला है, महाभारत एक झूठ है। यह आज लिखा जा रहा है। अब मैं कुछ और वाक्य सुनाऊंगा अंधा युग पर, ताकि हमारे जो दर्शक श्रोता हैं वो और गहराई में उतर करके इस विषय पर मनन चिंतन करें, सोचें। इसमें कई प्रहरी हैं, दो प्रहरी हैं जो आपस में बात करते हैं और हमारे लिए बहुत काम के हैं, इनकी बातें काम की हैं। प्रहरी नंबर एक कहता है, कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ। विक्षिप्त से तो आप समझ सकते हैं कि बहुत लोग विक्षिप्त हुए होंगे, शापग्रस्त यहां भगवान कृष्ण के लिए आया है कि गांधारी ने उनको शाप दिया था। दूसरा प्रहरी उत्तर देता है, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं, युद्ध समाप्त हो गया है। प्रहरी दूसरे दूसरा जो प्रहरी है वो कहता है कि हम में कोई बदलाव नहीं आया, वैसे ही हम हैं। शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। आदित्य जी, महाभारत के संदर्भ में क्या ऐसे वाक्य लिखे जा सकते हैं कि शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं? क्या आप साम्यवाद लाना चाह रहे थे? क्या मार्क्स और लेनिन के रूप में लाखों करोड़ों को काटना चाह रहे थे माओ की तरीके से, या लेनिन स्टालिन की तरीके से? क्या चाह रहे थे आप कि शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं? क्या वैसी हैं? इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखिए, इस तरह के लेखक ना शैलेंद्र जी, इस तरह के लेखक क्या चाहते हैं, ये अपराधियों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये डर है कोई महाभारत पढ़ के इनको दंड ना दे दे, ये इसे डर। सही बात यही है इनकी। आगे देखिए, अब दूसरा प्रहरी कहता है, इससे तो पहले के शासक अच्छे थे। मतलब अब जो महाराज युधिष्ठिर का शासन हुआ उससे अच्छे थे पहले के शासक। क्यों? अंधे थे लेकिन वे शासन तो करते थे। अब बताइए, धृतराष्ट्र अंधे होकर शासन करते थे, और इनके लिए व्यंग किया है धर्मवीर भारती ने, आदित्य जी ध्यान से सुनिएगा, ये तो संत ज्ञानी है। कितनी बड़ी बात कह दी धर्मवीर भारती ने, संत ज्ञानी का विद्रूप किया इन्होंने, व्यंग किया है। संत भी और ज्ञानी भी, दोनों को निरर्थक बेकार का व्यक्ति बताया है, बताइए तो। और आगे कहते हैं, शासन करेंगे क्या, ये क्या शासन करेंगे, जानते नहीं है प्रकृति प्रजाओं की। मतलब इनको एक और तो ज्ञानी, संत ज्ञानी कह रहे, दूसरे मूर्ख भी कह रहे। और फिर से पहला प्रहरी कहता है, ज्ञान और मर्यादा ये हमारे लिए काम का है, ये शुद्ध रूप से कम्युनिज्म है, और ये कम्युनिस्ट व्यक्ति क्या बोल सकता है, उसकी बहुत अच्छी अभिव्यक्ति यहां पर है। प्रहरी पहला कहता है, ज्ञान और मर्यादा, देखिए दो शब्द हैं और हमारे शास्त्रों के हिसाब से भारी भरकम शब्द हैं, ज्ञान और मर्यादा। उनका करें क्या हम, उनको क्या पीसेंगे या उनको खाएंगे या उनको ओढ़ेंगे या उन्हें बिछाएंगे। देखिए कितना व्यंग कर रहे हैं ज्ञान और मर्यादा। आगे फिर प्रहरी कहता है, हमको तो अन्न मिले, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले, अंधे आदेश मिले। देखिए कहां पर पहुंच गया, आदेश चाहे अंधे मिले, नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दें या शांति दें। ये कम्युनिस्ट है आदमी, इसको अंधा आदेश चाहिए, जहां पर यह समझ भी नहीं हो कि यह युद्ध है कि शांति है, यह चल जाएगा।
लेकिन ज्ञान और मर्यादा ये शब्द इनके लिए निरर्थक हैं। इसको क्या पीसेंगे, इसको क्या ओढ़ेंगे, इसको क्या खाएंगे, कितने सारे शब्दों का प्रयोग किया। अब देखिए ये जो अंधा युग है इसमें पहला तो आता है मंगलाचरण, जैसे नाटक में मंगलाचरण दो चार पंक्तियों का होता है, वैसे इन्होंने अपना नहीं लिया है, महाभारत के संस्कृत का श्लोक है। और उसके बाद उद्घोषणाएं हैं कुछ, उसके तुरंत बाद क्या शुरू होता है वो देखिए, युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां मनोवृत्तियां आत्माएं सब विकृत हैं, इसमें सब विकृत हैं, है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। मतलब सारी विकृतियां हैं, सब कुछ बेकार है, निरर्थक है, लेकिन मर्यादा की डोरी बड़ी पतली सी है, और तो उसको ही बेकार कर दिया क्योंकि वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में, तो मर्यादा भी नहीं है। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त। अब आप देखिए इस अनासक्त शब्द को लेकर के आदित्य जी, मैं तो पाठकों से कहूंगा, दर्शकों से कहूंगा कि इस रचना को पढ़ें। अनासक्त शब्द का, अनासक्ति का धर्मवीर भारती ने इतना जबरदस्त व्यंग किया है, इसका मजाक उड़ाया है कि हमें और आपको तो सहन नहीं होगा जो गीता पढ़ते और महाभारत पढ़ते। तो कृष्ण भगवान के लिख रहे हैं कि वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे। अब आप देखिए शेष अधिकतर हैं अंधे, कौन अंधे हैं? युधिष्ठिर अंधे हैं, अर्जुन अंधे हैं, सहदेव, नकुल, भीम और सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े लोग सब अंधे हैं, पथभ्रष्ट हैं, आत्महारा हैं, विगलित हैं, अपने अंदर की अंतर की अंध गुफाओं के वासी हैं। यह कथा उन्हीं अंधों की है, सोचिए यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है, ज्योति की है अंधों के माध्यम से। तो खैर ये ज्योति की तो कोई कथा नहीं अंधों के माध्यम से, लेकिन ये अंधा ही है। अब आगे देखिए एक जगह वाक्य का प्रयोग किया इन्होंने कि शाप दे रही है गांधारी भगवान कृष्ण को, तो उसमें आया है ये धर्मवीर भारती लिखते हैं कि तुम्हारे जो साथ के लोग हैं वो सब आपस में पागल कुत्तों की तरह लड़ेंगे, ये शब्द का प्रयोग किया है धर्मवीर भारती ने, पागल कुत्तों की तरह लड़ेंगे और आपस में एक दूसरे को काट खाएंगे। लेकिन महाभारत क्या कहता है, मैं उस पर आ रहा हूं। ये स्त्री पर्व में आता है कि मैंने पति की सेवा करके जो तप संचय किया है उसी के प्रभाव से मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुमने कौरव और पांडव दोनों भाइयों कि आपस में प्रहार करते समय उनकी उपेक्षा कर दी थी, इसलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम भी बंधु बांधव, मंत्री और पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। आज जैसे ये भरत वंश की स्त्रियां विलाप कर रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर सिर पकड़कर रोएंगी। गांधारी के कठोर वचन सुनकर महामना श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जानता था कि यह बात इसी प्रकार होनी है, तुमने जो कुछ होना था उसी के लिए साथ दिया। और मैं आदित्य जी परम आदरणीय पंकज जी का को साधुवाद दूंगा और उनकी टिप्पणी मैं सारे संसार में रखना चाहता हूं सामने सबके सम्मुख कि देखिए ये केवल गांधारी और कृष्ण भगवान कृष्ण की बात नहीं है। गांधारी ने पुत्र खोए हैं, आक्रोश में शोक में गांधारी शाप दे रही है एक मां के रूप में, उसमें कोई असाधारण सी स्थिति नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या उत्तर दे रहे हैं? भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि तुम वही बोल रही हो माता जो होना है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण है, उनको कोई साधारण सा व्यक्ति शाप दे दे वो समाप्त हो जाए, तो वह देवत्व तो नहीं है, वो ईश्वरत्व तो नहीं है।
लेकिन धर्मवीर भारती ने उस ईश्वरत्व को समाप्त किया है। मतलब एक महिला श्राप दे दे तो वैकुंठ में बैठे हुए विष्णु समाप्त हो जाएं, कैलाश पर बैठे हुए महादेव समाप्त हो जाएं, दुर्ग पर बैठी हुई दुर्गा माता समाप्त हो जाएं। ये धर्मवीर भारती ने बड़ी ही सावधानी से काम किया है कि भगवान कृष्ण नष्ट हो जाए, एक नारी के शाप से वो समाप्त हो जाए, जो कि लगभग असंभव है। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है कि आप कहें और वो समाप्त हो जाए। तो क्या भगवान गांधारी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो वहां पर तो लाखों करोड़ों विधवाएं विधवाएं हैं, सबकी आहें लग जाती यदि वो भगवान कृष्ण को मानते तो। ईश्वर है, देवता है। इसलिए मैंने ये पढ़कर सुनाया। और एक और भी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो अंधा युग नाटक है, ये कई खंडों में है, भाग में है। अंतिम भाग का नाम है, सुनिएगा आदित्य जी ध्यान से, प्रभु की मृत्यु। अंतिम खंड का नाम है प्रभु की मृत्यु। सोचिए, ये ईसाइयों का लगता है खिलाया पिलाया हुआ काम है कि हमारे प्रभु की मृत्यु कर रहे हैं। अब मैंने इसके लिए, जैसे आप महाभारत देखते रहते हैं, मैंने भी महाभारत को देखा, मैंने सोचा महाभारत में क्या लिखा है। महाभारत में मौसल पर्व में एक जो उप शीर्षक है उसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का परधाम गमन। देखिए कितने सुंदर शब्द हैं, वो परधाम जा रहे हैं। अरे किसी व्याध के मारने से वो मरने वाले नहीं है, वो भगवान कृष्ण स्वयं भी कहते हैं उसको कि अरे मैं तो जा रहा था और तुमने तुम्हारा मुझे लग गया। अब देखिए उसका वर्णन कितना बढ़िया, भगवान कृष्ण कहते हैं उसका चित्त मृग में आसक्त था, इसलिए श्री कृष्ण को भी उसने मृग ही समझा था। बाण मारने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित चार भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो तनिक अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत शंकित हुआ और उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे ऊर्ध्वलोक में अपने परम धाम को चले। घटना एक ही आदित्य जी, आपके व्यास जी क्या लिख रहे हैं और ये नया नया नकली कम्युनिस्ट, नकली क्या कहा जाए, ईसाई, ये क्या लिख रहा है। अब आपके पास समय है तो 10 मिनट में और लूंगा, क्योंकि एक रचना तो मैंने कुल मिलाकर बता दी, अब दूसरी रचना सुनिए। इस रचना का नाम है गुनाहों। सुखदेव गोस्वामी भागवत पुराण में इस इंसिडेंट को और भी सुंदर अलंकित रूप में बताते हैं। कृष्णा स्वधाम गते, जब कृष्ण अपने स्वधाम की तरफ चले गए, उसके बाद कलयुग पूरे तरह से पृथ्वी पर आ गया। तो ये इस तरह के कवि जो है कलयुग की पैदाइश है। कलयुग के जो जो आसुरिक व्यक्ति होते हैं, कभी कभी हम लोग सब आए हैं अपना कर्म जीने के लिए, लेकिन लेकिन उसमें बोलते हैं इन्हों कि कलयुग में भी एक महान गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजित। तो अगर कृष्ण कीर्तन होगा तो लोगों को परम धाम की प्राप्ति भी होती है। तो जिस कृष्ण के नाम पे परम धाम की प्राप्ति होती है, वो उस उन कृष्ण को ये व्यक्ति जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा है, और यहाँ इसको तो धृतराष्ट्र भी श्राप देंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र भी बार बार कृष्ण की पूजा करते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं, है ना। चलिए प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं अब दूसरी रचना पे आता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ उस पर, ताकि दर्शकों को ठीक ठाक ढंग से पता चल जाए कि यह व्यक्ति कैसा था हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए।
तो ये जो गुनाहों का देवता है, यह एक उपन्यास है। इसके तीन मुख्य पात्र हैं, एक डॉक्टर हैं अर्थात प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं कहीं किसी डिपार्टमेंट में इलाहाबाद में, और उनकी एक पुत्री है उसका नाम सुधा है, और एक लड़का है जिसका नाम चंद्र कपूर है, लेकिन इस कथा में जगह जगह चंदर उसको कहा गया। तो ये जो चंद्र कपूर है अपने घर से भागा हुआ है, इलाहाबाद में आता है, अपनी माँ से झगड़ करके घर से निकला हुआ है। तो ये डॉक्टर जो शुक्ला हैं वो उनको उसको देख लेते हैं, अपने पास रखते हैं, हर तरह से मदद करते हैं, सहायता करते हैं उसकी। और वो बीए किया है, अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में आया है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है, एमए भी प्रथम स्थान प्राप्त करता है, और वो शोधार्थी बन जाता है, शोध करने लगता है। तो चूंकि वो डॉक्टर शुक्ला के घर में आता जाता है और वहीं एक हिसाब से उसका पालन पोषण हो रहा है, वैसे रहता है कमरा लेके अलग है, तो उनकी जो पुत्री है सुधा उससे उसका लगाव हो जाता है। और इस उपन्यास में और भी पात्र आए हैं, लेकिन कुल मिला के यह है कि सुधा और चंदर में प्रेम प्रसंग है, प्रेम हो जाता है, गहरा प्रेम होता है, लंबे समय तक होता है। लेकिन एक दिन ऐसा है कि डॉक्टर शुक्ला जो है अपनी बेटी के लिए, उनको नहीं लगता है कि चंदर और बेटी में ऐसा है, और किसी ने उनको बताया नहीं है, तो अपनी पुत्री के लिए विवाह देखने जाते हैं और किसी वर के लिए कहते हैं। इधर सुधा मना करती है या मानती नहीं है विवाह करने के लिए। तो उन्होंने इसका जो कहिए कि कहानी का अंत होता है उसमें, या उत्कर्ष कहिए, उसमें डॉक्टर शुक्ला चंदर से ही अपने विश्वास पात्र व्यक्ति के रूप में चंदर से ही कहते हैं कि तुम सुधा को समझाओ कि वह विवाह के लिए तैयार हो जाए। तो उसका किसी और से विवाह हो जाता है। इसी तरह के और भी पात्र हैं, एक मुसलमान लड़की है गेसु करके, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो किसी से प्यार करती है मगर परंतु उसकी उसका विवाह उससे नहीं होता है, अख्तर नाम का लड़का है, अख्तर से नहीं हो पाता है। तो वो उसने अब ये निर्णय किया है कि अब वो विवाह ही नहीं करेगी, निकाह नहीं करेगी, ऐसे ही रहेगी। तो कुल मिलाकर स्थिति क्या बनती है कि हमारे समाज में जिसको आप प्रेम करते हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इस भावना के विरुद्ध धर्मवीर भारती हैं, और इसीलिए इस उपन्यास को लिखा है। और इसके बाद जितनी भर्त्सना, जिस तरह से पोषणा कहते हैं, वो हमारे भारतीय समाज को पोषते हैं, वह बिल्कुल ही उचित नहीं है। और मुझे लग रहा है कि वो अधिक कुंठित व्यक्ति हैं, उनकी स्वयं की कुंठा अधिक बोल रही है, समाज वो ऐसा कुंठित नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न वह भी इतना नहीं है जितना यह है कि फिर जैसे अंधा युग में इन्होंने काम किया है, वैसे ही हिंदू समाज को अपने देवी देवताओं के प्रति उनकी जो आस्था है उसको, उस आस्था को खंडित करना, उस आस्था बोध को समाप्त करना, स्मृति बोध को समाप्त करना, परंपरा बोध को समाप्त करना, और कुल मिलाकर के आप अपने उस धार्मिक जो भी धारा भरी है उससे अलग हो जाएं, सूख जाएं जैसे नदी से मछली बाहर निकलती है और मृत प्राय हो जाए। यह जो उद्देश्य है इसके लिए मैं इस गुनाहों का देवता की बात करता हूं। आरंभ करता हूं मैं इसके शीर्षक से, ध्यान दीजिए आदित्य जी, गुनाहों, गुनाह करना, ये उर्दू फारसी का शब्द है। सामान्यतः मुसलमान गुनाह का प्रयोग करते हैं, गुनाहगार बताते हैं। हिंदी में इसके निकट जो शब्द है हम अपराधी कह सकते हैं। तो गुनाह करने वाले हमारे देवता कैसे हो गए? गुनाहों का देवता? अरे गुनाहों का खुदा क्यों नहीं, गुनाहों का अल्लाह क्यों नहीं, मौलवी क्यों नहीं, मुल्ला क्यों नहीं, या जो भी तुमको नाम रखना रखो। तुमको किसने अधिकार दिया कि गुनाहों का देवता लिख रहे हो? तुम देवता, तो आप समझिए देवता को गुनाहगार सिद्ध कर दिया। सामान्य रूप में जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं वे यदि इस तरह की रचनाओं को पढ़ें तो क्या उनकी आस्था खंडित नहीं होगी? और जीवन भर यह पद गुनाहों का देवता उनके मस्तिष्क में नहीं कोंधेगा? गुनाह करने वाले देवता हैं, और जिन्होंने गुनाह शब्द बनाया, जो खुदा और अल्लाह को मानते हैं उसको तो छोड़ दिया।
गुनाहों का देवता, जैसे हमारे सिन्हा होता पोंगा पंडित, पोंगा मुल्ला नहीं, मौलवी नहीं, एक भी मौलवी मुल्ला खराब आदमी नहीं है, पंडित कोई भी अच्छा नहीं है। तो मैं इसके कुछ वाक्य सुनाना चाहता हूं जिससे मैं मानता हूं कि दर्शकों के ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। देखिए इसकी पटकथा जो है लिखी गई है आज के प्रयागराज, उस समय के इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है? अल्लाहाबाद है, यह भी देखने वाली बात है। अल्लाहाबाद जलालुद्दीन के समय दिया गया नाम, यह तीर्थराज जिसको प्रयागराज कहा गया उसका नाम बदल करके जलालुद्दीन ने कर दिया अल्लाहाबाद। यह शुरू होता है, आरंभ होता है, पहला वाक्य है इस गुनाहों के देवता उपन्यास का। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की, अगर पुराने जमाने की नगर देवता की, यानी एक नगर देवता आ गए और ग्राम देवता की, तो नगर देवता भी आ गए, ग्राम देवता ही आ गए। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान होती, कल्पनाएं आज भी मान्य होती। देखिए आदित्य जी, इस अधूरे वाक्य में, अभी मैंने पूरा वाक्य नहीं पढ़ा, आधे वाक्य में आपकी सारी आस्था को इन्होंने गहरी चोट नहीं पहुंचाई, उन्होंने समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। ग्राम देवता हो या नगर देवता हो, उनकी कल्पनाएं आज भी मान्य होती है। ये कल्पना है, और कल्पना है तो हम क्यों देवता माने? बताइए क्या लिखा है इस आदमी ने? इस व्यक्ति को हिंदू द्रोही न करें, न कहें, मुझे तो इससे कम कठोर कोई शब्द ही नहीं दिख रहा। मुझे तो ये शब्द भी, हिंदू द्रोही शब्द भी मृदु लग रहा। देवी देवता, ग्राम देवता, नगर देवता कल्पनाएं है हमारी, और ये कल्पनाएं आज मान्य होती, यानी अब मान्य नहीं है। कल्पनाएं थी, समाप्त हो गई। कितने शब्द मैंने पढ़े हैं सोचिए, उतने में ही इतनी बातें निकल आई। और आगे लिखती हैं, लिखते हैं कि अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। बताइए, हमारे नगर देवता रोमांटिक कलाकार है, रोमांटिक है, कलाकार है। कैसे आपने क्या बना दिया? क्या कोई अल्लाह रोमांटिक कलाकार क्यों नहीं है? क्या कोई जीसस क्यों नहीं है? क्योंकि इस कथा में मुसलमान भी पात्र हैं, ईसाई भी पात्र हैं। कह के देखते धर्मीर भारती उसी समय रास्ता पकड़ लेते, यह साहस कभी नहीं करते। इसीलिए मैंने अंधा युग के समय भी कहा धर्मवीर नहीं, अधर्मी और कायर है यह व्यक्ति, अधर्मी और कायर है, और भारती तो है ही नहीं, अभारती है। इतना ही नहीं, आगे एक पैराग्राफ में बता रहा हूं, अगला वाक्य बताता हूं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ण स्वर कुंजों से निर्वासित। बताइए, देवता को आपने स्वर कुंज से निर्वासित कर दिया। निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। मनमौजी आप समझते हैं आदित्य? जो 18-20 साल के लड़के होते हैं आमतौर पे जब उनके मन में जो आता है करते हैं उसको कहते हैं मनमौजी। हमारे देवता वही परिपक्व नहीं है, उनमें कोई गुण नहीं है, मनमौजी। जैसा मन हुआ, जिधर मन हुआ चल दिए, जो मन हुआ कर लिया। हिंसा अहिंसा में भेद नहीं है, विवेक अविवेक में भेद नहीं है, ज्ञान अज्ञान में भेद नहीं है। जैसे मैंने कहा महाभारत रामायण के संदर्भ में,
राम और रावण में भेद नहीं है, दुर्योधन और महाराज युधिष्ठिर में भेद नहीं है, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर में भेद नहीं है। यह है। और विडंबना देखिए, यह व्यक्ति लिखता है अपने से इस पुस्तक पर कि मैं इस उपन्यास के नए संस्करण पर दो शब्द लिखते समय समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या लिखूं। अधिक से अधिक मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता उन सभी पाठकों के प्रति व्यक्त कर सकता हूं जिन्होंने इसकी कलात्मक अपरिपक्वता के बावजूद इसको पसंद किया है। कलात्मक अपरिपक्वता तो कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। ये नहीं कहते कि मैंने कम्युनिस्ट वाला काम किया है, इस्लामी काम किया है, ईसाइयों वाला काम किया है, हिंदू धर्म को नष्ट किया है, ये नहीं कहते। लेकिन अगला वाक्य हमारे काम का है। लिखते हैं, मेरे लिए इस उपन्यास का लिखना वैसा ही रहा है जैसा पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था से प्रार्थना करना, और इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वह प्रार्थना मन ही मन दोहरा रहा। अब आदित्य जी, मेरा संसार भर से लोग के लोगों से प्रश्न है कि जिसका कोई देवता नहीं है, जिसका कोई आराध्य नहीं है, वो किसकी प्रार्थना करता होगा? रोमांटिक कलाकार की, या निर्वासित मनमौजी कलाकार की, या अमर्यादित कृष्ण की? बहुत दुखद है आदित्य जी, बहुत दुखद है। इस व्यक्ति ने जिस तरह की चोटें पहुंचाई हैं हमारे धर्म पर, जिसके बारे में हम बात करते करते थक जाते हैं फिर भी अघाते नहीं, ऐसा धर्म, लेकिन उसको ध्वस्त करने के लिए ऐसे ऐसे व्यक्ति। आपने आरंभ में कहा कि हरिवंश राय बच्चन का दूसरा रूप है ये, मैं आपको एक प्रकरण सुना के वाणी को विराम देता हूं। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में ठीक ठाक स्थान पर मुसलमानों का वर्णन किया है और उनके विषय में सत्य भी लिखा है, कटु शब्द भी लिखे हैं। उन्होंने 1942 के आंदोलन के विषय में लिखा है, जब वो इलाहाबाद में थे उन्होंने लिखा है कि उस आंदोलन में मुसलमानों ने कोई योगदान नहीं किया। लेकिन धर्मवीर भारती की रचना से तो ऐसा लगता भी नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। हिंदू के विरुद्ध उसकी लेखनी कैसे चलती है, धार कैसे बनती है, जैसे लग रहा है लेखनी नहीं है, वो खड़ग है, वो तीक्ष्ण खड़ग चलाते हैं। ये बहुत ही विचार करने योग्य बात है, और इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि यह व्यक्ति हिंदू द्रोही था। इसकी रचनाएं शुद्ध रूप से हिंदू द्रोही है, और मैं अपने सारे दर्शकों से, श्रोताओं से विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि वे स्वयं अपनी आंखों से इन रचनाओं को देखें, इनके शब्दों पर ध्यान दें, और फिर स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंपली माइंड ब्लोइंग, सिंपली माइंड ब्लोइंग कि जो जिनको हम लोग इतना आदर सत्कार के साथ पढ़ते थे। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बड़ा डीप पॉइंट मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जिस व्यक्ति को श्रद्धा नहीं शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में, उसको लेखन का कार्य भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए लिखने के लिए। लेकिन आजकल कलयुग में ऐसा हो गया है कि शास्त्रों को तोड़ना एक फैशन बन चुका है, शास्त्रों की अवहेलना करना, शास्त्रों की निंदा करना, ये एक फैशन बना दिया गया है। बहुत सही कर रहे हैं। और ये हिंदू शास्त्र, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्रों के मर्म को नहीं समझते, जिन्होंने जिनको आदेश प्राप्त नहीं है हमारे संप्रदायों से, वो भी लिखते हैं, और वो इस प्रकार से लिखते हैं, उनको लगता है कि अगर शास्त्र उनको एक लाइन समझ में आ गया तो वही फिर गुरु बन गए, गुरु के बाप बन गए। इस तरह की मानसिकता, जैसे आप भी हैं, आप कितना आदर सत्कार देते हैं रामेश्वर विश्व पंकज जी को, कुसुम दत्ता केडिया जी को,
मतलब एक एक ये एक चिन्ह भी है कि आपकी विद्वता का, क्योंकि आप जो है आपके स्कॉलरशिप का भी एक वो सिंबल है, क्योंकि आप किसी और को भी मानते हैं कि देन तो उससे आपकी विद्वता स्थापित होती है। और परंपराओं में भी तो ये तो नियम ही होता है कि व्यासदेव के थ्रू ही सारे शास्त्र आए हैं, तो व्यासदेव तो सभी के गुरु हो गए। लेकिन वो जो रिस्पेक्ट अगर नहीं रही और आप लोगों ने सोचा कि मैं व्यासदेव से भी बेटर हूँ, उसको चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया वैश्या, तो जो अपने गुरु की अवहेलना कर दे। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं कि जस्ट आजकल इंटरनेट अवेलेबल है तो आप कुछ भी बोलना शुरू कर दें, विच इज नॉट ऑथराइज, विच इज मतलब उससे आपकी विद्वता पे चिन्ह उठते हैं, मतलब क्वेश्चन उठते हैं, दूसरों के नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। और एक जो हैबिट हो गई है कि आई कैन प्रेजेंट समवन थिंग बेटर, ये एक हैबिट हो गई है, लोग बहुत लोगों में ऐसी हैबिट है, आई कैन डू समथिंग बेटर। एक्चुअली हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जो लिखा है उसी को रिपीट करो, कुछ उसमें ऐसा नहीं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, योग के द्वारा उसको देखना, उसको बोलते हैं वृत्ति निवारण, वृत्ति निरोध, विपर्यया, विकल्प, इसके ऊपर होता है कार्य। तो वो तो शास्त्रों में एक ऑथराइज प्रोसेस है कि आप योग के माध्यम से इन इंसिडेंट्स को आप देख भी सकते हैं। बट एनीवे, तो मैं तो बोलूंगा दर्शकों को कि अगर आपको पढ़ना है तो एक थोड़ा सा भक्ति भाव के रूप में पढ़े, मतलब कि सीखने के लिए पढ़े, दिखाने के लिए ना पढ़े। दैट इज हाउ यू रीड इट एंड एंड देन यू विल सी बेनिफिट फॉर योर ओन सेल्फ आल्सो। और जो धर्मवीर भारती के बारे में मैंने तो नाम ही सिर्फ सुना था, लेकिन जो आज सुना है, अच्छा हुआ मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी नहीं, नहीं तो मुझे तो बहुत क्रोध। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दर्शकों का भी प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लोगों को बताइए चैनल के बारे में। और शैलेंद्र कुमार जी की पॉडकास्ट है, पूरी पूरी एक पॉडकास्ट है, आप कार में सुन सकते हैं, ड्राइविंग करते हुए सुन सकते हैं, और आप प्लेलिस्ट है इनकी जो आप कंटिन्यूअसली करीब 28.5 घंटे आप कंटिन्यूअसली सुन सकते हैं। और तो आप तो यू शुड टेक बेनिफिट ऑफ दैट, देन आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे इस प्रकार का ही डेप्थ आपको मिलेगा। चलिए नमस्ते एंड थैंक यू टू एवरीवन। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्ते।